सबसे पहले हमारी आज की स्टार्टर में मिंट मार्गरिटा तो आज बारी आ चुकी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जो कि है इस्लामाबाद। एक्चुअली लाहौर में हम एम्पोरियम वगैरह सारा घूम फिर चुके हैं एक बार, तो हमने कहा इस बार कहीं ना कहीं तो डिफरेंट जाएं। तो अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। हमारे इस्लामाबाद का आई थिंक सो फर्स्ट व्लॉग होगा आप लोगों के साथ। तो अभी हम चलते हैं नीचे गाड़ी में, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा भैया, बट हम लाहौर वापस आएंगे भैया और बाबा की फ़्लाइट के लिए, इसलिए हम सारा सामान नहीं लेकर जा रहे इस्लामाबाद। लो जी, अब एम टैग के लिए हम जा रहे हैं, गाड़ी को एम टैग लगवा लें ताकि फिर आसानी रह जाए, ताकि प्रॉब्लम हो। चल मोमिन जा यार। बेटे देखो यही एंजॉयमेंट है, इतने पैसे लगाओ करो सोने, ये तो एंजॉयमेंट है। ये जो है ये जब से एक्सीडेंट हुआ है ना वो बस वाला कलर कहार पे, तो उस वक्त से ये एक लॉ बना दिया कि जितने भी पब्लिक बसेज होंगी ना वो आके एक जगह पे इकट्ठी होंगी और फिर वो आगे उनको पुलिस की गाड़ियाँ वो आगे लेके जाती हैं, मोटरवे पुलिस की गाड़ियाँ एक जगह पे इकट्ठी कर लेते हैं फिर उनको लेके जाते हैं। कलर कहार इज अ टाउन एंड सब डिवीजन ऑफ चकवाल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब पाकिस्तान। एम्परर बाबर डिस्क्राइब कलर कहार इन हिज मेमोर्स द तख्त बाबरी एज अ चार्मिंग प्लेस विद गुड एयर। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, वैसे तो मोटरवे पे सफर आसान भी होता है और साइड पे काफी अच्छी सीनरीज भी होती हैं, बट माउंटेन्स के साथ तो काफी इनका मसला होता है ना ब्रेक होना, ये देखो ये इनकी ब्रेकें टाइट ना हो ना, इस तरह से सुबह तक मोटर में कैंट चलती है। इनको पता है ये जो है, वैसे पता भी नहीं चला कि हम इतना ऊपर आ गए। बाबा ये जो है माउंटेन्स वाली रोड ये इतनी अलग क्यों है, मतलब कोई चेंज सा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ये रहा टोल प्लाज़ा। बहुत ही खूबसूरत सफ़र, बहुत ज़बरदस्त रहा। इस सफ़र का तो अपना ही मज़ा था क्योंकि आसपास आगे पीछे बहुत ही खूबसूरत और रंगीन पहाड़ नज़र आ रहे थे। الحبيب الرافع المعز المذل السامع
तो अभी हम इसके बाद आ गए थे, जब हमारा सफर कंप्लीट हुआ, एक्चुअली मैं एंड में सो गई थी, तो काफ़ी अच्छा सफ़र गुजरा। और आके हमने सबसे पहले तो होटल में अपना चेक इन किया, वहाँ पे आके रेस्ट वगैरह किया, फिर सारे रेडी होके अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो ये हमारा रूम, इसमें है एक मास्टर बेड है और 2 सिंगल बेड्स हैं। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा टूर, वैसे और वैसे क्या ही टूर होता है होटल रूम का, तो इसलिए अब हम चलते हैं नीचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। और बाबा भी तैयार श्यार हो चुके हैं। ये हमारा होटल, आप लोगों को मैं बाहर से दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह। ये है मुकम्मल व्यू बाहर का। हम सबसे पहले आए हैं तहजीब पे, यहाँ से हमको छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी तो वो लेंगे, उसके बाद अगली डेस्टिनेशन पे। पहले तो देखते हैं क्या लेना है, क्योंकि बाबा ने कहा था क्या बोला, कॉपीराइट बाहर की वीडियो यहीं से बना सकती थी, क्योंकि अगर यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट मार दिया तो मसला होगा इस वजह से। अब मेरा नहीं ख्याल ये इसके बाद यूट्यूब पे कॉपीराइट आएगा। तो हम आ चुके हैं अंदर, और अंदर काफ़ी ज़्यादा रश है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हैं केक्स वगैरह, ड्राई केक्स है ना, यहाँ पे ड्राई केक्स हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह भी है, और वहाँ पे लाइव बेकिंग भी है, यहाँ पे स्वीट्स वगैरह। अभी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे हम खाने आए हैं चाइनीज़ या फिर जैपनीज़ फूड, आई थिंक सो चाइनीज़ फूड हम खाने आए हैं। अभी हम उधर चलते हैं और चूज़ करते हैं कि क्या क्या खाना है। और वैसे हम जिस दिन अब इस्लामाबाद आए, हमेशा लगता था कि बोरिंग है, बट हम मतलब हम अब हम जब घूमे फिरे पर तब पता चला कि पाकिस्तानी वेरी इंटरेस्टिंग। और अब हम देखेंगे कि हमने चाइनीज़ फूड खाना है या फिर कौन सा। वैसे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं कि यहाँ से हॉट पॉट भी मिलता है, कोरियन हॉट पॉट। और यहाँ भी काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स के फूड हैं। अभी हम चलते हैं और देखते हैं हमने किधर जाना है। यहाँ पर उन्होंने ये वाटरफॉल भी बनाया हुआ है छोटा सा, यहाँ से लोग खाना खाते पानी के छींटे भी इंजॉय कर सकता है। फिर दूसरी साइड पे आए थे मॉल के, और यहाँ पे है आई थिंक सो यहाँ पे गिफ्ट रैपर, जिसका डेकोरेशनल चीज़ जो गिफ्ट में, और यहाँ पे ये सारा है क्या कहते हैं गिफ्ट मार्ट, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट्स भी हैं, परफ्यूम, स्किन केयर, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और आगे ये ओ टाकीस, और आगे यहाँ पे मार्ट वगैरह है। और हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे बहुत सुनसान जगह है। अब हमारी बारी आ चुकी है, और अब हम जा रहे हैं अंदर जापनी फूड की एंट्रेंस हो रही है वहाँ। यहाँ पे हम जैपनीज, हमारे पास था मेन्यू, तो यहाँ पे मैं सुशी देखे, बट मुझे ना सुशी चाहिए, वो होनी चाहिए सैलमन क्रैब और साथ साथ वसाबी के बगैर, क्योंकि तीनों चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है। बाबा को चूज़ कर रहे हैं कि क्या खाने वाले, हमने कुछ चूज़ किया मिंट मार्गरिटा।
बाबा हमें अपने दोस्त के घर ले तो आए हैं, बट आपने तो कुछ बताया ही नहीं कि वो आपके फ्रेंड कैसे हैं, आप लोग किस तरह मिले हैं। किस तरह मिलते होते हैं, हम लोग क्लास फेलोज थे और एक स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे, वहीं मिलते थे और वो इस रहते भी रही मियाँ रखा में, मैं भी वहाँ रहता हूँ, हम भी वहाँ रहते हैं, तो इसलिए इनकी जॉब यहाँ पे है, मेरी वहाँ पे है रही मियाँ रखा में, तो मैं उधर रहता हूँ, ये इधर रहता हूँ। अंकल का तो आप जानते ही हैं, इनका मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ। और आगे ये हैं अंकल के दो बेटे अली भाई और अहमद भाई। माशाल्लाह तीनों जो बैठे हुए हैं तीनों हाफ़िज़े कुरान हैं, और साथ साथ इनकी एक बहन भी है नवाल, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और ये सारी फैमिली आपको अगले चंद ब्लॉग्स में नज़र आएगी, तो इसलिए आप लोग अगले ब्लॉग्स देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ जल्दी बना ले। मैंने कहा आप जल्दी बना लो ना वीडियो खाने की, लगता है आपको बहुत ही जल्दी है। हाँ जी, ये बात कर रहे हैं। ये है, ये कौन सी डिश है? हम वीडियो बना रहे हैं। क्या क्या डिश है? ये है कैशियो नट। अच्छा, ये है कैशियो नट ग्रेवी, ये है चाउमीन, ये है राइस, फिर से चाउमीन, फिर राइस, फिर कैशियो नट ग्रेवी। अभी मैं घर अपना फूड इंजॉय, तो हम मिलते हैं खाना खाने के बाद। और अभी हमने खा पी लिया, पिक्चर्स वगैरह भी बना ली, और अंकल का बहुत थैंक यू, उन्होंने इतना अच्छा इतने अच्छे रेस्टोरेंट पे वो हमें लेके आए, और हमने बहुत ही मज़े से खाना खाया। और अब हम अपनी वीडियो को एंड भी कर लेते हैं। I hope you like today's video. Don't forget to subscribe, comment, share and press. किया था? और ये पीछे से दो परियां मुझे तंग कर रही हैं, एंड नहीं करने देंगी। चलें कुछ और बोल लेते हैं। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमें इतना अच्छा दिया। थैंक यू। अब आप भी आएंगे इमरान खान, हम आपको अच्छी जगह से लेके जाएंगे। हां, इतना ही बताना, आखिरी दिन ही बताना। हमारे होते ही ऐसे टाइम है। नहीं, हाथ में आके नहीं भागते, तीन दिन बाद आखिरी दिन जिस दिन निकलना होता है हमें मिल के जाते हैं। الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر والباطن